हाँ जी दोस्तों, द फैक्ट्री में आपका स्वागत है। मैं हूँ एकता अरोड़ा। तो आज हम ले चलते हैं आपको देश व दुनिया की खबरों से ताज़ा रूबरू करवाते हैं डेरा सच्चा सौदा, एक संस्था जो कि आज तक एक्सक्लूसिव न्यूज़ में रहा है, उसके बारे में रूबरू करवाते हैं कि उनके जो बाबा जी के जो अनुयायी हैं गुरुग्राम शहर में पहुँचे हुए हैं, यहाँ पर महासफाई अभियान चला रहे हैं ये लोग। सुनने में आता था कि ये लोग मानवता भलाई के कार्य करते हैं। तो आज आपके सामने ये लाइव तस्वीर है, आप देख सकते हैं कि कैसे इन्होंने कूड़े के ढेर लगा दिए, कैसे ये लोग सफाई कर रहे हैं। पब्लिक प्लेस है ये, स्कूल है, वहाँ पे आगे जाके जो रोड्स भी है वो भी इन्होंने बिल्कुल क्लीन कर दिए हैं। लाइव आपके सामने ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे जो आए हुए हैं लोग, इनकी एक ग्रीनेस्ट वेलफेयर फोर्स है, बाबा जी ने जो बनाई है, जो जो काम करते हैं ये लोग उनके लिए बनाई है, तो उनसे बातचीत करते हैं। ये एक लड़की है जो आज क्या एक लड़की है जो बोला जाता है कि आज का नौजवान पीढ़ी है, वो आज का एक फ्यूचर है, आने वाले टाइम में भी एक पूरा डिपेंड करता है इन पे देश। तो उनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? शालू इंसा। शालू, आप डेरा से कब से जुड़े हुए हैं? मैं बहुत छोटी होती थी, बचपन से ही मैं डेरा सच्चा सौदा में आ रही हूँ और बहुत टाइम से सेवा कार्यों में पिताजी की रहमत से हम लगे हुए हैं। तो आपको क्या मिलता है कि बाबा जी ने आपको कुछ डेरा की तरफ से कुछ पैसे दिए गए हैं जो आप यहाँ पे आए हुए हैं? नहीं, डेरा की तरफ से किसी भी अनुयायी को पैसा नहीं दिया गया, लेकिन जो उनकी तरफ से हमें जो खुशियाँ बेमिसाल मिलती हैं वो या तो वो जानते हैं देने वाले, या उनके जो फॉलोअर्स या उनके जो वचनों को मानता है वो जानते हैं। आपकी क्या क्या करते हो, आपका काम क्या कर रहे हो? मैं आई एम डूइंग PhD। PhD ये कर रहे हैं, एजुकेटेड लोग हैं, यूथ है। बोला जाता था, मीडिया के द्वारा दिखाया जाता था कि यहाँ पे गरीब जनता आती है, अनपढ़ लोग आते हैं, तो उनके लिए मुंह पे तमाचा है, उनके लिए ये लाइव न्यूज़ जो आज छुपे बैठे हैं वो दिखा नहीं रहे हैं, वो आके देख सकते हैं कि गुरुग्राम शहर में कैसे बहुत भारी संख्या में ये लोग पहुंचे हुए हैं। आपका आज का पूरे दिन का क्या शेड्यूल है, क्या रूटीन है कि कैसे सफाई करोगे? सबसे पहले तो मैं अपने सैन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने आज हम सब सेवादारों को यहाँ इस पवित्र धरती पर, जहाँ जिन पर उन्होंने 21 दिन की पैरोल के दौरान चरण टिकाए, उस धरती के दर्शन करने और वहाँ सफाई करने का अवसर प्रदान किया। और ये है कि यहाँ हमारा सफाई अभियान सुबह 9 बजे शुरू हुआ, जो कि अब चल रहा है, और जब तक ये सफाई पूरा गुरुग्राम साफ नहीं हो जाता ये सफाई अभियान चलता रहेगा। तो आप कैसे सफाई कर रहे हो, आप अपने साथ ही लेके आते हो जो टूल्स होते हैं जैसे झाड़ू? बिल्कुल, हम अपने साथ झाड़ू और भी टूल्स जो भी हमें चाहिए होते हैं वो सब अपने साथ अपने घरों से लेके आते हैं, और पूरा सिटी को क्लीन करके फिर हम अपने घरों को जाते हैं। मैम, सुनने में आता था कि आप मानवता भलाई के कार्य कर रहे हो, आज हमने एक कार्य आपका देखा, और ऐसे कौन से कार्य करते हो? ऐसे बहुत से कार्य हमारे गुरुजी के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जो उनके अनुयायी उन कार्यों को फॉलो करते हुए मतलब कर रहे हैं, जैसे कि विधवाओं का पुनः विवाह करवाना, गरीबों को मकान बना के देना, राशन वितरित करना, और जैसे किन्नर है उनको जैसे कि गुरुजी के एक आह्वान पे मतलब फिर उसके बाद तो गवर्नमेंट ने भी उनको वो दर्जा दे दिया, और जो मतलब वेश्यावृत्ति में लड़कियाँ बुरी तरह से किसी मजबूरी के कारण फंसी हुई थी उनको भी गुरुजी ने पुण्य धारा में ला के उनकी शादी करवाई, और आज वह भी बहुत अच्छा वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। गुरुजी आपके बीच में नहीं है आज के टाइम पे, तो समाज को लगता है कि समाज पीछे जा रहा है, गुरुजी की जरूरत है, आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, गुरुजी की बहुत ज़रूरत है, जैसे कि अब आप ही देख चुके हो कि 21 दिनों के दौरान गुरुजी आए और वो जैसे ही यहाँ से गए तो देखो उनके एक आह्वान पे मतलब कि ये संगत को लगा कि गुरुजी आए हैं तो संगत यहाँ सफाई अभियान करने आ गई, तो इसीलिए जब गुरुजी आएंगे तो उनके सारे बहुत से ऐसे इंस्पिरेशंस मोटिव दिए जाते हैं जो संगत के द्वारा फॉलो किए जाते हैं, इसलिए गुरुजी की आज हमें नहीं उनके फॉलोअर्स को ही नहीं पूरे समाज को ही ज़रूरत है। यह है सच, गुरुजी की आज को बुराइयों को रोकने के लिए, जो बुराइयाँ कुरीतियाँ दिन ब दिन नशा ड्रग्स जो बढ़ रहा है उनको रोकने के लिए गुरुजी की बहुत आवश्यकता है। ऐसे ही आप सफाई अभियान ये कार्य करते हो? बिल्कुल, जैसे जैसे यहाँ जहाँ जहाँ भी हमें सफाई अभियान का मौका मिलेगा हम वहाँ जरूर पहुँचेंगे। तो डेरा में कैसे, हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में आप लोग आए हो, तो कैसा अनुशासन है, खाने पीने का प्रबंध कैसा चलता है? बिल्कुल, यहाँ बहुत ही अनुशासन से सारे प्रबंध किए गए हैं, यहाँ की ट्रैफिक भी जाम नहीं होने पाने दे रहे, बहुत ही रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे कि मतलब बहनों का अलग है कि मतलब मर्यादा में रह रहे हैं, खाने पीने का भी हमारे संगत की तरफ से बहुत ही लंगर का एक से एक अच्छी व्यवस्था में प्रोवाइड करवाई जा रही है। सरकार में आखिर में क्या अपील करना चाहोगे गुरुजी के लिए आप? सरकार से हमारी यही अपील है कि हमारे गुरुजी हमारे बीच जल्दी से जल्दी आए, क्योंकि सच है वो हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी सबके सामने आए, सरकार बहुत जल्दी हमारे गुरुजी को रिहा करके हमारे बीच लेके आए, जिससे मानवता भलाई के कार्य और भी जोरों शोरों से चल सके।
ये आज के यूथ की मांग है, एक अपील है सरकार के लिए कि बाबा राम रहीम जी का होना इनके बीच में बहुत जरूरी है। जो बुराइयां है इनके आने वाली जनरेशन के लिए एक खतरा बना हुआ है, उसकी रोकथाम के लिए गुरु जी का होना बहुत जरूरत है, बहुत आवश्यकता है। आज की जो लाइव अपडेट है हमने आपको दिखाई, आपकी इस सब के बारे में क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।